everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And today I'll discuss feeder pathway for glycolysis. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Feeder pathway for glycolysis. अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये feeder pathway क्या होता है? So feeder pathway को समझने से पहले हम glycolysis को समझते हैं. Glycolysis क्या होता है? Glycolysis is the breakdown of one molecule of glucose to two molecule of pyruvate. जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस. ग्लूकोज कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है. पाइरूवेट कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है. सो 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल 3 कार्बन पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है. और ये जो कन्वर्सन है, ये टोटल 10 स्टेप्स में होते हैं. कितने स्टेप्स में होते हैं? 10 स्टेप्स में होते हैं. एंड ऑल 10 स्टेप्स आर इंजाइम कैटलाइज्ड. ये सारे इंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं. जो फर्स्ट 5 है उसे प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, एंड द लास्ट 5 इज नोन एज पे ऑफ फेज. प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज क्या होता है? प्रिपरेटरी फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस फेज में एटीपी का इन्वेस्टमेंट होता है. क्या होता है? एटीपी का इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि पे ऑफ फेज में एटीपी गेन होता है. That's why it is known as payoff phase. Glycolysis में क्या होता है? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और इस रिएक्शन में एक एटीपी का यूज होता है. सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन विच एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड. सो इस स्टेप को फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन बोलते हैं, और ये रिएक्शन कैटलाइज्ड होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम के थ्रू. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. दिस स्टेप इज बेसिकली आइसोमेराइजेशन, और ये स्टेप कैटलाइज होता है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम से. फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे जो फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर है, दैट इज एटीपी. मीन्स इस रिएक्शन में भी एटीपी यूज होता है. सो दिस इज द सेकेंड प्राइमिंग रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन है कैटलाइज होता है पीएफके 1 से, दैट इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1. अब ये फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट की स्प्लिटिंग होती है, और ये रिएक्शन जो कैटलाइज करता है, दैट इज एल्डोलेज. और फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट स्प्लिट होकर दो ट्रायोज फॉस्फेट बनाते हैं, दैट इज ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. आउट ऑफ दीज टू ट्रायोजेस ओनली ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट जो है वो ग्लाइकोलिसिस में इंटर करता है. देन क्वेश्चन ये है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का क्या होगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट में आइसोमेराइज होता है, एंड द एंजाइम इज ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज. ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट बनाता है 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट. मीन्स टू मॉलिक्यूल ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट से दो मॉलिक्यूल 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट बनेंगे. और इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है एंड फॉस्फोराइलेशन भी होता है. सो ऑक्सीडेशन के लिए नैड प्लस चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करे, और वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनएडीएच बनाता है. एंड फॉस्फोराइल ग्रुप इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, नॉट एटीपी. सो यहाँ पे दो एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है, और ये अल्टीमेटली एटीपी की सिंथेसिस करता है. नाउ ईच मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, और यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होती है. क्योंकि एटीपी की सिंथेसिस होती है, सो दिस इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, क्योंकि यहाँ जो एटीपी की सिंथेसिस होती है, वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का जो ट्रांसफर होता है वो सबस्ट्रेट से होता है, इसीलिए इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं. और ये जो रिएक्शन है वो कैटलाइज होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के थ्रू. नाउ 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में. सो यहाँ पे फॉस्फेट का पोजीशन चेंज हुआ है, 3 से 2 में आया है. और जब एक ही मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होता है, तो उस एंजाइम को बोलते हैं म्यूटेज. यहाँ पे किसका पोजीशन चेंज हो रहा है? फॉस्फोराइल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है फॉस्फोग्लिसरेट में. सो इस एंजाइम को क्या बोलेंगे? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज. नाउ 2-फॉस्फोग्लिसरेट
फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट बनाता है और यहाँ पे वाटर का लॉस होता है, इसलिए ये एंजाइम कैटालाइज होता है इनोलेज से एंड फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे भी एटीपी की सिंथेसिस होती है और यहाँ पे भी जो फॉस्फोराइल ग्रुप आता है वो सबस्ट्रेट से आता है, दैट इज फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, सो दिस इज ऑल्सो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सो यहाँ पे ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ, ग्लूकोज का कन्वर्जन हुआ पाइरूवेट में। सो अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ग्लूकोज के अलावा अदर कार्बोहाइड्रेट्स भी ग्लाइकोलिसिस में एंटर करता है, एंड द आंसर इज यस करता है। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि कैसे करता है। सो पहले हम ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरह के होते हैं। एक तो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीमर है, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, और स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट में क्या हुआ, स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन, क्या होता है स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन जो होता है वो डाइटरी भी होता है और इंडोजीनस भी होता है ह्यूमंस में। ह्यूमंस के केस में ग्लाइकोजेन डाइटरी भी होता है एंड इंडोजीनस भी होता है। डाइटरी क्या हुआ, जो हमें डाइट से मिलता है, तो ग्लाइकोजेन हमें डाइट से भी मिलता है और ग्लाइकोजेन हमारे अंदर स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में भी रहता है। जबकि स्टार्च की अगर बात करें तो ह्यूमंस के लिए जो स्टार्च हैं वो डाइटरी हैं, सिर्फ डाइटरी सोर्स है, क्योंकि स्टार्च ह्यूमंस में स्टोर नहीं होते हैं। सो फर्स्ट वन इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, और स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट या तो स्टार्च होगा या तो ग्लाइकोजेन होगा। प्लांट के केस में स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है, एनिमल के केस में स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन होता है, बट ग्लाइकोजेन डाइट के फॉर्म में भी लेते हैं, इसीलिए ह्यूमंस के लिए ग्लाइकोजेन डाइटरी सोर्स भी होगा और इंडोजीनस सोर्स भी होगा। सेकेंड इज द डाइसैक्राइड्स, और डाइसैक्राइड्स में क्या होंगे, डाइसैक्राइड्स में होते हैं माल्टोज, लैक्टोज, ट्रीहैलोज एंड सुक्रोज। एंड थर्ड वन इज द मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स में क्या आएंगे, फ्रुक्टोज आएंगे, मैनोज आएंगे, ग्लैक्टोज आएंगे। सो कार्बोहाइड्रेट का तीन सोर्स है, फर्स्ट वन इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वन इज द डाइसैक्राइड एंड थर्ड वन इज द मोनोसैक्राइड। सो ग्लूकोज के अलावा जब ये सारे कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस में इंटर करते हैं तो उस पाथवे को बोलते हैं फीडर पाथवे। क्या बोलते हैं, फीडर पाथवे। बट सवाल ये है कि ये सारे कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस में इंटर कैसे करेंगे, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, इन सारे कार्बोहाइड्रेट्स को पहले कोई ना कोई ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा। किस चीज में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ग्लाइकोलिसिस का कोई एक इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा, चाहे वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो या फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हो, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हो, ग्लिसरल डाइड 3 फॉस्फेट हो, डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट हो, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट हो, 3 फॉस्फोग्लिसरेट हो, 2 फॉस्फोग्लिसरेट हो या फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट हो। सो अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स कोई एक ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद वो ग्लाइकोलिसिस में इंटर कर जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, मेनी कार्बोहाइड्रेट्स बिसाइड्स ग्लूकोज मीट देयर कैटाबोलिक फेट इन ग्लाइकोलिसिस। मीन्स ग्लूकोज के अलावा बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं, उनका कैटाबोलिक फेट ग्लाइकोलिसिस में इंटर करता है आफ्टर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन ऑफ द ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स, और वो तभी इंटर करता है जब कोई ना कोई एक ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर स्टोरेज पॉलीसैक्राइड ग्लाइकोजेन एंड स्टार्च, द डाइसैक्राइड माल्टोज, लैक्टोज, ट्रीहैलोज एंड सुक्रोज, एंड द मोनोसैक्राइड फ्रुक्टोज, मैनोज एंड ग्लैक्टोज। एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि ग्लूकोज के अलावा अदर कार्बोहाइड्रेट हैं जो ग्लाइकोलिसिस में इंटर करते हैं, दैट इज स्टोरेज पॉलीसैक्राइड, और स्टोरेज पॉलीसैक्राइड में क्या है, ग्लाइकोजेन एंड स्टार्च। एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में ग्लाइकोजेन स्टोरेज होते हैं, जबकि प्लांट के केस में स्टार्च इज द स्टोरेज पॉलीसैक्राइड। नाउ कम टू द डाइसैक्राइड, इन डाइसैक्राइड माल्टोज, लैक्टोज, ट्रीहैलोज एंड सुक्रोज होते हैं, जबकि मोनोसैक्राइड्स में फ्रुक्टोज, मैनोज एंड ग्लैक्टोज होते हैं, जो कि आफ्टर कन्वर्शन इंटू वन ऑफ द ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स ये ग्लाइकोलिसिस में इंटर करते हैं। This is the feeder pathway for glycolysis. Means glucose के अलावा दूसरे carbohydrate जब glycolysis में enter करते हैं, that is the feeder pathway for glycolysis.
सो पहले हम देखते हैं स्टोरेज पॉलीसैकेराइड कैसे इंटर करता है। क्या पहले हम देखते हैं स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोलिसिस में कैसे इंटर करता है। और स्टोरेज पॉलीसैकेराइड क्या है? ग्लाइकोजेन एंड स्टार्च। ग्लाइकोजन किस में है? एनिमल टिश्यूज एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। जबकि स्टार्च किस में है? प्लांट में है। सो ग्लाइकोजन इन एनिमल टिश्यूज एंड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड स्टार्च इन प्लांट्स कैन बी मोबिलाइज फॉर यूज विद इन द सेम सेल बाई ए फॉस्फोरोलाइटिक रिएक्शन कैटलाइज बाई ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज स्टार्च फॉस्फोराइलेज इन प्लांट्स। मीन्स एनिमल टिश्यूज एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ग्लाइकोजेन एंड प्लांट्स में स्टार्च पहले मोबिलाइज होते हैं ग्लाइकोलिसिस में इंटर करने के लिए। और मोबिलाइजेशन क्या होता है? क्योंकि ग्लाइकोजेन एंड स्टार्च ग्लूकोज यूनिट से बने होते हैं, ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं, तो उससे पहले एक एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज निकलता है और वो ग्लूकोज ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट होते हैं एंड देन वो ग्लाइकोलिसिस में इंटर करते हैं। और ये जो मोबिलाइजेशन होता है, दैट मोबिलाइजेशन इज बाई फॉस्फोरोलाइटिक रिएक्शन। और ये फॉस्फोरोलाइटिक फॉस्फोरोलाइटिक रिएक्शन किस एंजाइम से कैटलाइज होता है? ग्लाइकोजेन के केस में ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज होगा एंड स्टार्च के केस में स्टार्च फॉस्फोराइलेज होगा। दीज एंजाइम्स कैटलाइज एंड अटैक बाय इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऑन द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दैट जॉइंस द टू ग्लूकोज रेजिड्यू एट नॉन रिड्यूसिंग एंड जनरेटिंग ग्लूकोज 1-फॉस्फेट एंड ए पॉलीमर 1 ग्लूकोज यूनिट शॉर्टर। ग्लाइकोजन एंड स्टार्च क्या होते हैं? ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। स्टार्च की अगर बात करें तो दो पॉलीमर से बने होते हैं, दो तरह के पॉलीमर होते हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो होता है वो अनब्रांच्ड ग्लूकोज पॉलीमर है। क्या है? अनब्रांच्ड ग्लूकोज पॉलीमर है। जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच्ड ग्लूकोज पॉलीमर है। अनब्रांच्ड ग्लूकोज पॉलीमर क्या होता है? क्योंकि इसमें ग्लूकोज के यूनिट अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से। जबकि ब्रांच्ड में क्या होता है? यहाँ पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ज्वाइन होते हैं दो ग्लूकोज यूनिट। सो जब अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से दो ग्लूकोज यूनिट ज्वाइन होंगे वो ब्रांच पैटर्न रहते हैं। और ये दोनों होता है, स्टार्च में भी होता है एंड ग्लाइकोजेन में भी होता है। ग्लाइकोजेन में उसको एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन नहीं बोलते हैं, स्टार्च में ही सिर्फ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। ग्लाइकोजेन में ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड बोलते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि स्टार्च में जो ब्रांचिंग होती है वो एवरी 24 to 32 ग्लूकोज यूनिट के बाद होती है, लेकिन ग्लाइकोजेन के केस में जो ब्रांचिंग होती है वो 8 to 12 ग्लूकोज यूनिट के बाद होती है। सो ग्लाइकोजेन के केस में ब्रांचिंग काफी फ्रीक्वेंट होती है एज कम्पेयर टू स्टार्च। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे वो ग्लाइकोजेन हो या स्टार्च हो, यहाँ पे दो इंड होते हैं। एक इंड को नॉन रिड्यूसिंग इंड बोलते हैं और दूसरे इंड को रिड्यूसिंग इंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग इंड बोलते हैं। और ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग इंड पे एक्ट करता है। और नॉन रिड्यूसिंग इंड पे जो दो टर्मिनल ग्लूकोज यूनिट होते हैं उनके बीच में जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, यहीं पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक्ट करता है। और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से आता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पायरिडॉक्सल फॉस्फेट से आता है, जो कि कोफैक्टर का काम करता है। क्या करता है? पायरिडॉक्सल फॉस्फेट ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज या स्टार्च फॉस्फोराइलेज के लिए कोफैक्टर का काम करता है। और जब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज या स्टार्च फॉस्फोराइलेज एक्ट करता है तो एक बार में एक ग्लूकोज यूनिट रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। क्या? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट रिलीज करता है। और ये रिपीटेटिवली वर्क करता है जब तक कि ब्रांच पॉइंट नहीं आए। जैसे ही ब्रांच पॉइंट आता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज या स्टार्च फॉस्फोराइलेज की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। और कहाँ पे स्टॉप होगी? जहाँ पे ब्रांचिंग है उससे 4 ग्लूकोज रेजिड्यू पहले, मीन्स यहाँ पे इसकी ब्रांचिंग स्टॉप हो जाएगी। अब यहाँ पे कौन काम करेगा? यहाँ पे काम करेगा डी ब्रांचिंग एंजाइम। यहाँ पे कौन काम करेगा? यहाँ पे डी ब्रांचिंग एंजाइम काम करेगा। और डी ब्रांचिंग एंजाइम जो होते हैं दैट इज ओलिगो अल्फा 1,6 टू अल्फा 1,4 ग्लूकन ट्रांसफरेज। दिस इज द डी ब्रांचिंग एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करता है? दो सक्सेसिव रिएक्शन करता है।
1x1 सक्सेसिवली करता है, जो फर्स्ट रिएक्शन होता है उसमें क्या करता है, इस ब्रांच को ट्रांसफर करता है यहाँ पे, और दूसरा रिएक्शन क्या हुआ, जैसे ही ये ब्रांच ट्रांसफर होगा तो एक यहाँ पे ग्लूकोसाइल रेजिड्यू बचता है और इस ग्लूकोसाइल रेजिड्यू को हाइड्रोलाइज कर देता है। ये कौन करता है, ये डी ब्रांचिंग एंजाइम करता है। डी ब्रांचिंग एंजाइम दो सक्सेसिव रिएक्शन करता है, फर्स्ट वन ये ट्रांसफर करता है ब्रांच को यहाँ से यहाँ पे, और दूसरा ये जो ग्लूकोसाइल रेजिड्यू बचता है इस ग्लूकोसाइल रेजिड्यू को हाइड्रोलाइज करके बाहर निकाल देता है, एंड देन ये फाइनली अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज पॉलीमर होते हैं जो कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ज्वाइंट होते हैं। और जब ये अनब्रांच्ड चेन में कन्वर्ट होता है देन फिर से ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज नॉन रिड्यूसिंग इट से एक एक ग्लूकोज यूनिट ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के फॉर्म में निकालेगा। अब सवाल ये है कि ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस का तो इंटरमीडिएट है नहीं, तो फिर ये कैसे ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेगा। ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। क्या होता है, ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, एंड ग्लूकोज 6-फॉस्फेट क्या है, ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट है और ये ग्लाइकोलिसिस में इंटर करेगा। तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ग्लूकोज 1-फॉस्फेट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कैसे होता है, एंड दिस इज ऑल्सो एंजाइमेटिक रिएक्शन। और इस कन्वर्जन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। म्यूटेज क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रांसफर करता है। सो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फोराइल ग्रुप था और उसको सिक्स पोजीशन पे ट्रांसफर करना है, तो फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर करके सिक्स पोजीशन पे लाना है, तो वहां पे म्यूटेज एंजाइम वर्क करेगा, एंड म्यूटेज एंजाइम इज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। सो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बाय फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज व्हिच कैटालाइजेस द रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज 1-फॉस्फेट टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। द ग्लूकोज 6-फॉस्फेट थस फॉर्म कैन इंटर ग्लाइकोलिसिस और अनदर पाथवे सच एज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट अब ये जो बना ये या तो ग्लाइकोलिसिस में इंटर करेगा या फिर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में इंटर करेगा। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज इंप्लॉय एसेंशियली द सेम मैकेनिज्म एज फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, एंड फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज का जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो ग्लाइकोलिसिस में एक एंजाइम होता है दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज उसके जैसा होता है। और अगर आपको इसका मैकेनिज्म समझना है तो मेरे उस वीडियो में जाइए जिसमें मैंने ग्लाइकोलिसिस का डिटेल्ड मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया है। द जनरल नेम म्यूटेज इज गिवन टू एंजाइम्स दैट कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इन द सेम मॉलिक्यूल। म्यूटेज वैसा एंजाइम है जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रांसफर करता है। म्यूटेजेस आर सब क्लासेज ऑफ आइसोमरेज एंजाइम दैट इंटर कन्वर्ट स्टीरियो आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल और पोजिशनल आइसोमर्स। सो दिस इज द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ ग्लाइकोजन, दिस इज द रिड्यूसिंग एंड ऑफ ग्लाइकोजन। सो जब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज या स्टार्च फॉस्फोराइलेज एक्ट करेगा वो कहाँ करेगा, वो यहाँ करेगा। यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक्ट करता है, वाटर एक्ट नहीं करता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक्ट करता है इसीलिए इसको फॉस्फोरोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। और फॉस्फोरोलाइसिस के बाद क्या होता है कि एक ग्लूकोज यूनिट ग्लूकोज 1-फॉस्फेट की तरफ निकल जाता है और बाकी रिमेनिंग ग्लूकोज पॉलीमर बच जाते हैं जो कि एक ग्लूकोज यूनिट कम है, और इस पे अगेन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज या स्टार्च फॉस्फोराइलेज एक्ट करेगा, वहां से एक ग्लूकोज यूनिट ग्लूकोज 1-फॉस्फेट की तरह रिलीज होगा। अब ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। क्या, किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट दो या तो ग्लाइकोलिसिस में इंटर करेगा या फिर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में इंटर करेगा। नाउ कम टू द डाइटरी पॉलीसैक्राइड्स एंड डाइसैक्राइड्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू मोनोसैक्राइड्स। डाइटरी पॉलीसैक्राइड्स में क्या आते हैं, मेनली स्टार्च आते हैं। क्या आते हैं, मेनली स्टार्च आते हैं। स्टार्च के अलावा ग्लाइकोजेन भी हम डाइट के फॉर्म में लेते हैं। अब सवाल यह है कि जो डाइटरी पॉलीसैक्राइड्स हैं वो कैसे ग्लाइकोलिसिस में इंटर करेंगे।
डाइटरी पॉलीसेक्राइड है, इसका मतलब हम किस चीज के फॉर्म में लेते हैं, डाइट के फॉर्म में लेते हैं। और जब हम डाइट लेते हैं तो उनका डाइजेशन होता है, कहाँ पे डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। कहाँ पे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम की जो शुरुआत होती है वो मौत से शुरुआत होती है, मौत के बाद बकल कैविटी के बाद ईसोफेगस के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस। सो ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम मौत से शुरू होती है और खत्म होती है एनस पे। सो फॉर मोस्ट ह्यूमंस स्टार्च इज द मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट। मोस्ट ह्यूमंस के लिए जो स्टार्च होते हैं, इट इज द मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट। डाइजेशन बिगिंस इन मौथ वेयर सालिवरी अल्फा एमाइलेज हाइड्रोलाइजेस द इंटरनल ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस ऑफ स्टार्च प्रोड्यूसिंग शॉर्ट पॉलीसेक्राइड फ्रैगमेंट्स और ओलिगोसेक्राइड्स। यहाँ पे क्या होता है कि मौथ में एक इंजाइम होता है एंड दैट इंजाइम इज सालिवरी अल्फा एमाइलेज सालिवा से सिक्रीशन होता है और वो मौथ में आता है। और मौथ में ये सालिवरी अल्फा एमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करती है और स्टार्च के डाइजेशन के बाद वो क्या करता है, स्टार्च डाइजेस्टेड होकर शॉर्ट पॉलीसेक्राइड फ्रैगमेंट्स या ओलिगोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो हाइड्रोलिसिस होती है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज नहीं होता है। यहाँ पे क्या यूज होता है, यहाँ पे वाटर यूज होता है। इसलिए इस ब्रेकडाउन को हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर यूज होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। जबकि जो इंडोजीनस पॉलीसेक्राइड को ब्रेक करने के लिए क्या यूज हुआ था, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और क्योंकि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज हुआ था, इसलिए उस रिएक्शन को फॉस्फोरोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरोलाइसिस बोलते हैं। इन द स्टोमिक सालिवरी अल्फा एमाइलेज इज इनएक्टिवेटेड बाई द लो पीएच बट ए सेकेंड फॉर्म ऑफ अल्फा एमाइलेज सिक्रेटेड बाई पैंक्रियाज इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यूज टू ब्रेक डाउन प्रोसेस। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि जैसे ही जो बोलस है वो स्टोमिक में जाता है तो स्टोमिक में क्या होता है, पीएच लो होता है और उस पीएच लो की वजह से ये सालिवरी अल्फा एमाइलेज इनएक्टिव हो जाता है। मीन्स स्टोमिक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। तो अब डाइजेशन कहाँ शुरू होगा, इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंजाइम आता है पैंक्रियाज से एंड दैट इंजाइम इज पैंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज। पैंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज के साथ स्टोरी ये है कि पैंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज बनता है पैंक्रियाज में, लेकिन पैंक्रियाज में ये इंजाइम इनएक्टिव होता है। तो एक्टिव कैसे होगा, ये इंजाइम आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तब ये एक्टिव होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ओलिगोसैक्राइड्स हुए हैं उन पे ये वर्क करेगा, उन पे ये एक्ट करेगा और उनको मेनली माल्टोज माल्टोट्रायोज एंड ओलिगोसैक्राइड्स जिसको लिमिट डेक्सट्रेंस बोलते हैं इसमें कन्वर्ट हो जाता है। माल्टोज क्या है, डाइसैक्राइड। माल्टोट्रायोज क्या है, ट्राइसैक्राइड। जबकि लिमिट डेक्सट्रेंस क्या है, एमाइलोपेक्टिन का वह फ्रैगमेंट है जिनमें अल्फा 16 ब्रांच पॉइंट हो। माल्टोज एंड माल्टोट्रायोज में सिर्फ अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है जबकि एमाइलोपेक्टिन में अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है। माल्टोज एंड डेक्सट्रिन्स आर डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर द फिंगर लाइक माइक्रोविलाई ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स विच ग्रेटली इंक्रीजेस द एरिया ऑफ इंटेस्टाइनल सरफेस। अब ये माल्टोज एंड डेक्सट्रिन का डिग्रेडेशन कैसे होता है, इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर पे जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उससे माल्टोज एंड डेक्सट्रिन का डिग्रेडेशन होता है। डाइट्री ग्लाइकोजेन हैज इसेंशियली द सेम स्ट्रक्चर एज स्टार्च एंड इट्स डाइजेशन प्रोसीड्स बाय द सेम पाथवे। जो डाइट्री ग्लाइकोजेन होते हैं उनका भी सेम स्ट्रक्चर होता है एज स्टार्च की तरह, तो उनका भी डिग्रेडेशन इन्हीं पाथवे से होता है।
Now disaccharides must be hydrolyzed to monosaccharides before entering the cell. अब intestinal epithelial cells जो होते हैं उसमें monosaccharide enter करते हैं, disaccharide enter नहीं करते हैं. So इसके लिए क्या करना होगा, disaccharides को monosaccharides में convert करना पड़ेगा. अब ये disaccharides monosaccharides में कैसे convert होंगे, intestinal disaccharides and dextrins are hydrolyzed by enzymes attached to the outer surface of intestinal epithelial cells. अब ये जो डाइसैक्राइड हैं वो मोनोसैक्राइड्स में कन्वर्ट होते हैं उस एंजाइम के द्वारा जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स के आउटर सरफेस से अटैच होते हैं. सो डेक्सट्रिनेज एंजाइम के थ्रू डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, माल्टेज एंजाइम के थ्रू डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम के थ्रू डी ग्लैक्टोज एंड डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, सुक्रोज सुक्रेज के थ्रू फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ट्रीहैलोज ट्रीहैलेज के थ्रू डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. सो माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज एंड ट्रीहैलोज ये चारों के चारों डाइसैक्राइड हैं. क्या है, डाइसैक्राइड हैं, जबकि डेक्सट्रिन जो है वो ओलिगोसैक्राइड हैं और उसमें अल्फा 16 ब्रांच पॉइंट भी प्रेजेंट होते हैं. द मोनोसैक्राइड सो फॉर्म्ड आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू एपिथेलियल सेल्स देन पास्ड इनटू द ब्लड टू बी कैरीड टू वेरियस टिश्यूज वेयर दे आर फॉस्फोराइलेटेड एंड फनल इनटू ग्लाइकोलिटिक सीक्वेंस. अब जो ये मोनोसैक्राइड्स बने हैं ये मोनोसैक्राइड्स इपिथेलियल सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे और उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है और वहां से ब्लड के थ्रू वेरियस टिश्यूज में जाएंगे जहां पे वो फॉस्फोराइलेटेड होंगे और ग्लाइकोलिसिस का कोई एक इंटरमीडिएट बनाएंगे और ग्लाइकोलिटिक सिक्वेंस में एंड ग्लाइकोलिसिस पाथवे में इंटर कर जाएंगे. Now coming to other monosaccharides enter the glycolytic pathway at several points. So यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, ग्लूकोज ग्लूकोज जो था ग्लाइकोलिसिस में इंटर किया. सो अदर मोनोसैक्राइड्स कैसे इंटर करेंगे ग्लाइकोलिसिस में, और अदर मोनोसैक्राइड्स में क्या आते हैं, फ्रुक्टोज ग्लैक्टोज. सो पहले हम फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ते हैं. इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स हेक्सोजेस अदर देन ग्लूकोज कैन अंडरगो ग्लाइकोलिसिस आफ्टर कन्वर्जन टू ए फॉस्फोराइलेटेड डेरिवेटिव. ग्लूकोज के अलावा जो अदर हेक्सोजेस हैं उनका पहले फॉस्फोराइलेशन होता है एंड देन वो ग्लाइकोलिसिस में इंटर करते हैं. फॉस्फोराइलेशन से क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन से क्या होता है कि वो ग्लाइकोलिसिस का कोई एक इंटरमीडिएट बनाते हैं. डी फ्रुक्टोज की अगर बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो कि हम डाइट के फॉर्म में लेते हैं, और दूसरा वर्टिब्रेट्स के स्मॉल इंटेस्टाइन में सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस के बाद बनता है. सुक्रोज क्या है, सुक्रोज इज अ डाइसैक्राइड और ये डिग्रेड होके ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनाता है. क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, और ये ग्लूकोज तो डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस में इंटर करेगा लेकिन फ्रुक्टोज कैसे इंटर करेगा. फ्रुक्टोज क्या होता है, इसका दो पाथवे होता है, एक तो मसल्स एंड किडनी में होते हैं एंड दूसरा लीवर में होता है. मसल्स एंड किडनी में जो फ्रुक्टोज इंटर करता है वो पहले फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है. कैसे बनाता है, मसल्स एंड किडनी में जो एंजाइम होते हैं उनको हेक्सोकाइनेज बोलते हैं, और ये हेक्सोकाइनेज फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. सो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस में इंटर कर जाएगा. लेकिन लीवर की अगर बात करें तो लीवर में ये हेक्सोकाइनेज प्रेजेंट नहीं होता है. तो लीवर में क्या होता है, लीवर में होता है फ्रुक्टोकाइनेज. अब इस फ्रुक्टोकाइनेज के साथ ट्विस्ट ये है कि ये 6 नंबर पे फॉस्फोराइलेट नहीं करता है, ये 1 नंबर पे फॉस्फोराइलेट करता है, और ये क्या बनाता है, फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट. क्या बनाता है, फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट, और फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट इंटरमीडिएट नहीं है ग्लाइकोलिसिस का. तो ये फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट अभी इंटर नहीं करेगा ग्लाइकोलिसिस में, इनका फर्दर मॉडिफिकेशन होगा. अब ये फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट क्या होगा, क्लीव हो जाएगा. क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा, और उसमें जो एंजाइम यूज होगा दैट इज फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट अल्डोलेज. अब ये फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट की क्लीवेज होगी तो क्या बनाएगा, 2 ट्रायोज फॉस्फेट बनाएगा. फर्स्ट वन इज द डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट एंड सेकेंड वन इज द ग्लिसरल डिहाइड.
डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरल डीआर थ्री फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो ग्लाइकोलिसिस में इंटर करेगा. क्या करेगा? ग्लाइकोलिसिस में इंटर करेगा. बट ग्लिसरल डीहाइड डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस में इंटर नहीं करेगा. ग्लिसरल डीहाइड को पहले ग्लिसरल डीहाइड थ्री फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है दैट इज ट्रायोज काइनेज. सो ग्लिसरल डीहाइड ट्रायोज काइनेज के प्रेजेंस में ग्लिसरल डीहाइड थ्री फॉस्फेट बनते हैं. अब ये ग्लिसरल डीहाइड थ्री फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में इंटर करते हैं. सो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ फ्रुक्टोज इंटर्स द ग्लाइकोलिटिक पाथवे. सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ पॉलीसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स जो ग्लाइकोलिसिस में इंटर करते हैं. सो दिस इज द हाउ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स इंटर ग्लाइकोलिसिस पाथवे. ग्लाइकोजन एंड स्टार्च पहले क्या बनाएगा? ग्लूकोज वन फॉस्फेट बाय द एंजाइम फॉस्फोराइलेज. अब ये ग्लूकोज वन फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा. अब ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट है और ये ग्लाइकोलिसिस में इंटर करेगा. लैक्टोज ट्री हेलोज एंड सुक्रोज ये क्या है? ये डाइसैकेराइड है. क्या है? डाइसैकेराइड. लैक्टोज इज द डाइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. तो ये ग्लूकोज थ्री हेलोज इज डाइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज है. सो ये सिर्फ ग्लूकोज देगा और ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में इंटर करेगा. सुक्रोज इज डाइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. क्या है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्टली इंटर करेगा बट फ्रुक्टोज मसल्स एंड किडनी में हेक्सोकाइनेज के थ्रू ये फॉस्फोराइलेट होगा एंड फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट बनाएगा एंड फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट इंटर कर जाएगा ग्लाइकोलिसिस में. जबकि लीवर में हेक्सोकाइनेज नहीं होता है. तो लीवर में क्या होता है? फ्रुक्टोकाइनेज. अब ये फ्रुक्टोकाइनेज क्या करेगा? फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज वन फॉस्फेट बनाएगा. अब ये फ्रुक्टोज वन फॉस्फेट की स्प्लिटिंग होगी. ये ग्लिसरल डीहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन बनाएगा. डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरल डीहाइड थ्री फॉस्फेट बनाएगा और ये ग्लाइकोलिसिस में इंटर कर जाएगा. बट ग्लिसरल डीहाइड ग्लाइकोलिसिस में इंटर करने से पहले ये फॉस्फोराइलेशन होता है और एंजाइम यूज होता है ट्रायोज काइनेज विद द हेल्प ऑफ एटीपी और ये ग्लिसरल डीहाइड थ्री फॉस्फेट बनाता है और ये ग्लाइकोलिसिस में इंटर करता है. मैनोज की अगर बात करें तो मैनोज हेक्सोकाइनेज की एंजाइम के प्रेजेंस में मैनोज सिक्स फॉस्फेट बनाता है और ये मैनोज सिक्स फॉस्फेट फॉस्फो मैनोज आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट बनाता है और ये ग्लाइकोलिसिस में इंटर कर जाता है. बट एक और मोनोसैकेराइड है दैट इज डी ग्लैक्टोज. ग्लैक्टोज की जो ग्लाइकोलिसिस में एंट्री होती है वो काफी यूनिक तरीके से होती है. और वो कैसे होती है? डी ग्लैक्टोज ए प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड लैक्टोज मिल्क सुगर पासेस इन द ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर वेयर इट इज फर्स्ट फॉस्फोराइलेटेड एट C1 एट एक्सपेंस ऑफ ATP बाय द एंजाइम ग्लैक्टोकाइनेज. ग्लैक्टोज कैसे बनता है? लैक्टोज का जब डिग्रेडेशन होता है तो ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज बनते हैं. ग्लूकोज तो इंटर कर जाता है ग्लाइकोलिसिस में बट ग्लैक्टोज कैसे इंटर करेगा? ग्लैक्टोज इंटर करने से पहले इसका फॉस्फोराइलेशन होता है और फॉस्फोराइलेशन किस एंजाइम से होता है? फॉस्फोराइलेशन एंजाइम होता है ग्लैक्टोकाइनेज से और इसमें ATP यूज होता है और ये बनाता है ग्लैक्टोज वन फॉस्फेट. अब ये ग्लैक्टोज वन फॉस्फेट कैसे इंटर करेगा? क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस का तो इंटरमीडिएट है नहीं, पहले ये ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है. अब इस ग्लैक्टोज वन फॉस्फेट द ग्लैक्टोज वन फॉस्फेट इज देन कन्वर्टेड टू इट्स EPMRAT C4 ग्लूकोज वन फॉस्फेट बाई ए सेट ऑफ रिएक्शन इन विच यूरिडीन डाई फॉस्फेट फंक्शन एज को एंजाइम लाइक कैरियर ऑफ एक्सोज ग्रुप्स है. इसमें क्या होता है कि ग्लैक्टोज वन फॉस्फेट ग्लूकोज वन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और ये ग्लूकोज वन फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में इंटर करता है और ग्लैक्टोज वन फॉस्फेट को ग्लूकोज वन फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है दैट इज UDP ग्लूकोज ग्लैक्टोज वन फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज. यहाँ पे क्या होता है? UDP ग्लूकोज एक कोएंजाइम की तरह काम करता है और ये हेक्सोज ग्रुप का कैरियर है. ये ग्लूकोज को कैरी करता है और ये ग्लूकोज ग्लूकोज वन फॉस्फेट बनाता है. तो यहाँ पे UDP ग्लूकोज यूज हुआ है.
तो यूटीपी ग्लूकोज को रीजनरेट करना पड़ेगा ताकि ये फर्दर रिएक्शन में यूज हो सके। तो यहाँ पे जो बना यूडीपी गैलेक्टोज, अब ये यूडीपी गैलेक्टोज का फोर्थ कार्बन पे ईपीमेराइजेशन होता है और ये ईपीमेराइजेशन दो स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनता है। अब इस कीटोन का रिडक्शन होता है तो ये फिर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप में बनता है। या अब सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ भी OH यहाँ भी OH तो फिर बीच में ऑक्सीडेशन कराने की क्या जरूरत हुई। ऑक्सीडेशन इसलिए हुआ यहाँ पे जो OH का कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ के OH का कॉन्फ़िगरेशन है डिफरेंट है। मीन्स ये जो दो सक्सेसिव रिएक्शन यूज हुआ इट इज जस्ट टू रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH एंड फाइनली ये यूडीपी ग्लूकोज बना और ये यूडीपी ग्लूकोज फर्दर रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाएगा। और इसमें तीन एंजाइम यूज होते हैं, गैलेक्टोकाइनेज, यूडीपी ग्लूकोज गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंड यूडीपी ग्लूकोज 4 ईपीमरेज। और इन तीनों एंजाइम की अगर डिफिशियंसी हो जाती है या फिर डिफेक्ट हो जाता है तो ह्यूमंस में गैलेक्टोसीमिया होता है। क्या होता है, गैलेक्टोसीमिया होता है। इन गैलेक्टोकाइनेज डिफिशियंसी गैलेक्टोसीमिया, हाई गैलेक्टोज कंसंट्रेशंस आर फाउंड इन ब्लड एंड यूरिन, इन्फेंट्स डेवलप्स कैटरैक्ट्स कॉजेस द बाय डिपोजिशन ऑफ गैलेक्टोज मेटाबोलाइट गैलेक्टिटोल इन लेंस, मेटाबोलाइट गैलेक्टिटोल इन लेंस। सो दिस इज हाउ गैलेक्टोज इंटर्स इन द ग्लाइकोलिसिस पाथवे। नाउ कमिंग टू द समरी ऑफ फीडर पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च पॉलीमेरिक स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इंटर ग्लाइकोलिसिस इन ए टू स्टेप प्रोसेस। जो पॉलीमेरिक स्टोरेज फॉर्म है दैट इज ग्लाइकोजन एंड स्टोरेज, ये दो स्टेप के थ्रू ग्लाइकोलिसिस में इंटर करता है। फर्स्ट वन इज द फॉस्फोरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ ग्लूकोज रेजिड्यू फ्रॉम एंड एंड ऑफ पॉलीमर फॉर्मिंग ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज कैटलाइज्ड बाय ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज और स्टार्च फॉस्फोराइलेज। फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज या स्टार्च फॉस्फोराइलेज कैटलाइज करता है फॉस्फोरोलाइटिक रिएक्शन को, फॉस्फोरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ ग्लूकोज या स्टार्च को फ्रॉम द नॉन रिड्यूसिंग एंड और वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज करता है। नाउ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज देन कन्वर्ट्स ग्लूकोज 1 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में इंटर करेगा। सेकेंड पॉइंट इज इंजेस्टेड पॉलीसैक्राइड एंड डाइसैक्राइड्स आर कन्वर्टेड इनटू मोनोसैक्राइड्स बाय इंटेस्टाइनल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड द मोनोसैक्राइड देन इंटर इंटेस्टाइनल सेल्स एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर और अदर टिश्यू। इंजेस्टेड पॉलीसैक्राइड्स जो होते हैं, चाहे वो स्टार्च हो चाहे वो ग्लाइकोजन हो, या फिर डाइसैक्राइड्स जो होते हैं वो मोनोसैक्राइड्स में कन्वर्ट होते हैं किसके थ्रू, इंटेस्टाइनल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के थ्रू। और वो मोनोसैक्राइड्स एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं इंटेस्टाइनल सेल्स में और लीवर या मसल्स लीवर या अदर टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होते हैं। थर्ड पॉइंट इज ए वैरायटी ऑफ डीहेक्सोजेस इंक्लूडिंग फ्रुक्टोज ग्लैक्टोज एंड मैनोज कैन बी फनल इनटू ग्लाइकोलिसिस एंड इच इज फॉस्फोराइलेटेड एंड कन्वर्टेड टू इधर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज के अलावा दूसरे मोनोसैक्राइड्स भी हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस में इंटर करते हैं, चाहे वो फ्रुक्टोज हो ग्लैक्टोज हो या मैनोज हो, बट इंटर करने से पहले वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। कन्वर्सन ऑफ ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इन्वॉल्व्स 2 न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव। जब ग्लैक्टोज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए 2 न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट वन इज द यूडीपी ग्लैक्टोज एंड सेकेंड वन इज द यूडीपी ग्लूकोज। सो ग्लैक्टोज एक ऐसा मोनोसैक्राइड है जिसको ग्लाइकोलिसिस में इंटर करने के लिए 2 न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट वन इज द यूडीपी ग्लैक्टोज एंड सेकेंड वन इज द यूडीपी ग्लूकोज। और ग्लैक्टोज को ग्लाइकोलिसिस में इंटर करने के लिए 3 एंजाइम की जरूरत पड़ती है और तीनों एंजाइम्स में कोई एक भी एंजाइम डिफेक्टिव हो जाए तो ग्लैक्टोज का एक्यूमुलेशन होने लगेगा ब्लड में। और ग्लैक्टोज का जब एक्यूमुलेशन होगा और उसकी वजह से क्या होगा, ह्यूमंस में ग्लैक्टोसीमिया होगा। क्या होगा, ग्लैक्टोसीमिया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फीडर पाथवेज फॉर ग्लाइकोलिसिस एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ यू हैव एनी डॉट क्वेरी और सजेशन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।